गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टी एस एन स्कूल अजमेर। टूडे वी रीड चैप्टर नंबर 22 एंड 24। चैप्टर नंबर 22 नेम इज फेमस लैंडमार्क्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम फेमस लैंडमार्क्स के बारे में रीड करेंगे। सोनो स्टार्ट, रीड द क्लू अबाउट सम फेमस लैंडमार्क्स अराउंड द वर्ल्ड। नीचे आपको फेमस लैंडमार्क्स दिए हुए हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके साम और ब्लैंक्स में उनके नाम फिल कीजिए। फर्स्ट, इट इज अ बुद्धिस्ट टेंपल इन सेंट्रल जावा इंडोनेशिया एंड इट इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। देर आर 72 स्तूप्स ईच कंटेनिंग अ स्टेचू ऑफ बुद्धा डैश। इट इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल। यह सेंट्रल जावा का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है और यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनूमेंट भी है। देर आर 72 स्तूप और इसमें प्रत्येक स्तूप में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, ए स्टेचू ऑफ बुद्ध। तो ये कौन सा लैंडमार्क है बच्चों, जहाँ पर 72 स्तूप है और उन सभी में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। तो ये कौन सा लैंडमार्क है, बोरोबुदुर। सेकंड, इट इज़ द बिग क्लॉक इंस्टॉल्ड इन 1859 ऑन द टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्ट मिस्टर पैलेस मिस्टर इन लंदन डैश। यह 1859 में लंदन में वेस्टमिंस्टर पैलेस के टावर पर स्थापित सबसे बड़ी घड़ी है। तो यह कौन सा लैंडमार्क है, बिग बैन। थर्ड, इट इज अ हग स्टेचू ऑफ जीसस क्राइस्ट विथ आउट स्ट्रेच्ड आर्म्स। इट इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ माउंट कोरोकोवाडो ओवर लुकिंग द सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो द कैपिटल ऑफ ब्राजील डैश। यह है जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा स्टैचू है और यह माउंट कोरोवाडो में स्थित है और यह ब्राज़ील की जो कैपिटल है रियो डी जेनेरियो वहाँ पर स्थित है। तो यह कौन सा लैंडमार्क है बच्चों, क्राइस्ट द रिडीमर फॉर द फेसेस ऑफ फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएसए आर कार्व्ड इनटू दिस ग्रेनाइट माउंटेन इन साउथ डकोटा। यह साउथ डकोटा में इस ग्रेनाइट पर्वत में संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर प्रेसिडेंट के चेहरे उकरे हुए हैं। तो ये कौन सा लैंडमार्क है बच्चों, माउंट रशमोर। फिफ्थ, दिस बेल टावर इज फेमस फॉर लियनिंग ऑन इट्स साइड थ्री ऑफ इट्स स्टोरेज वेर ऑलरेडी बिल्ट व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग वॉज अनइवन। दिस लेड टू अ परमानेंट टिल्ट टू द टावर। इट इज लोकेटेड इन इटली डैश। यह बेल टावर अपनी ओर झुके होने के लिए प्रसिद्ध है, इसकी 3 मंजिलें पहले ही बन चुकी थी। यह लेड टावर के लिए एक स्थायी झुकाव है और यह इट इज़ लोकेटेड इन इटली और यह इटली में स्थित है। तो ये कौन सा लैंडमार्क है बच्चों, लर्निंग टावर ऑफ पीसा, जिसे पीसा की झुकी हुई मीनार भी कहा जाता है। सिक्स, इट इज द साइट ऑफ द रूनिस ऑफ द एंशिएंट इनका सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन पेरू। एक्सवेशन सजेस्ट दैट वॉज बिल्ट एज ए पैलेस बट वॉज एबैंडोनेड लेटर डैश। इट इज द साइट ऑफ द
प्राचीन इंका के खंडर सिविलाइजेशन सिचुएटेड पेरू में स्थित है। यह उत्खनन से पता चला है कि इसे बनाया गया था। तो ये कौन सा लैंडमार्क है बच्चों? माचू पिचू। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में फेमस लैंडमार्क्स के बारे में रीड किया कि कौन कौन से लैंडमार्क्स कहाँ पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 24 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 24 नेम इज न्यूज़पेपर्स। मैनी न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में अनेक प्रकार के न्यूज़पेपर प्रकाशित होते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी प्रकाशित होते हैं। हाउ मच डू यू नो अबाउट देम। आप इनके बारे में कितना जानते हैं? मैच द कॉलम्स ऑफ टू फाइंड आउट। आपको इनको मैच करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉलम ए दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में कॉलम बी दिया हुआ है। सो नो स्टार्ट। फर्स्ट, दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पहला फर्स्ट न्यूज़पेपर कब अस्तित्व में आया, कब पब्लिश हुआ? ऑप्शन आपको सी से मैच करना है। बंगाल गेजेट। सेकंड, दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एम के गांधी ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया? आपको सेकंड को डी से मैच करना है, यंग इंडिया। थर्ड, दिस मराठी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो मराठी न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ वह कौन सा न्यूज़पेपर है? आपको थर्ड को ए से मैच करना है, केसरी। फोर, दिस न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1875 इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। यह न्यूज़पेपर कोलकाता में 1875 में पब्लिश हुआ और यह भारत का सबसे पुराना इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो बच्चों ये कौन सा न्यूज़पेपर है? फोर को आपको बी से मैच करना है, द स्टेट्समैन। फिफ्थ, द गुजराती डेली पब्लिश्ड इन मुंबई इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंडिया। गुजराती डेली मुंबई से प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर है, इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंडिया और ये भारत का लगातार प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर है। तो ये कौन सा न्यूज़पेपर है बच्चों? फिफ्थ को आपको एच से मैच करना है, बॉम्बे समाचार। सिक्स, दिस न्यूज़पेपर वॉज लॉन्च इन दिल्ली। यह न्यूज़पेपर दिल्ली में लॉन्च हुआ। कोलकाता, मुंबई एंड लंदन सिमल्टेनियसली इन 1994। तो ये कौन सा न्यूज़पेपर बच्चों? सिक्स को आपको जी से मैच करना है, एशियन एज। सेवन, द फेमस ऑथर जोसेफ रुद्रयार्ड किपलिंग वर्क एज ए जर्नलिस्ट फॉर दिस न्यूज़पेपर। जो फेमस लेखक है जोसेफ रुद्रयार्ड किपलिंग, उन्होंने जर्नलिस्ट का काम किया इस न्यूज़पेपर में। तो ये कौन सा न्यूज़पेपर है बच्चों? सेवन को आपको एफ से मैच करना है, द पायनियर। एट, दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। यह भारत का पहला न्यूज़पेपर है टू हैव वेबसाइट विच वॉज लॉन्च इन 1995 और इसकी वेबसाइट 1995 में लॉन्च की गई। एट को आपको ई से मैच करना है, द हिंदू। तो बच्चों हमने आज न्यूज़पेपर्स के बारे में रीड किया, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स भारत में कब प्रकाशित हुए, कब पब्लिश हुए। दो आपको चैप्टर नंबर 22 एंड 24 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे।